सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता उतनी ही कड़वी है। जो लोग एक्चुअल में ज्यादा सक्रिय नहीं होते, वो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और ट्विटर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे पोस्ट भी शेयर करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सिर और पैर नहीं होता। हाल ही में स्मृति ईरानी एयरपोर्ट पर अचानक से श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर से टकरा गई, और इस दौरान जाह्नवी ने कुछ ऐसा बोला कि उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, उन्हें वो रास नहीं आया। जाह्नवी कपूर ने स्मृति ईरानी से कहा आंटी। बस इसी बात पर स्मृति ईरानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उनके तेवर देखने वाले थे। आंटी शब्द सुनते ही स्मृति ईरानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन इसे आप जाह्नवी कपूर की समझदारी कहें या उनकी एक्टिवनेस कि वो जल्द ही भाप गई कि ये आंटी कहना स्मृति ईरानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और फिर जैसे ही जाह्नवी कपूर को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने सॉरी कहने में जरा भी देर नहीं लगाई और स्मृति ईरानी से माफी मांग ली। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा द समवन शूट मी मूमेंट व्हेन जाह्नवी कपूर स्वीटली अपोलोजाइजेस फॉर कंटिन्यूअसली कॉलिंग यू आंटी एंड यू से कोई बात नहीं बेटा। और फिर आगे स्मृति ईरानी लिखती है ये आजकल के बच्चे भी। जी हाँ, यही वो शब्द हैं जिन्हें लिखते हुए स्मृति ईरानी ने इस पोस्ट को शेयर किया, और उन्हें ये लिखने में कतई एतराज नहीं, कतई उन्हें झिझक नहीं हुई कि वो क्या लिखने जा रही है, और उन्होंने सोशल नेटवर्किंग पर इतना बड़ा पोस्ट लिख दिया। स्मृति ईरानी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी की आंटी कहने पर उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उन्हें वो कंट्रोल नहीं हुआ और उन्हें एक पोस्ट लिखना पड़ा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर करते हुए जाह्नवी कपूर की ये बात भी लिख डाली कि जाह्नवी कपूर ने स्मृति ईरानी को पहले आंटी कहा और फिर उसके बाद उन्होंने उनसे माफी मांगी, और उसके बाद स्मृति ईरानी उसमें मेंशन करती हैं कि मैंने कहा कि ये आजकल के बच्चे भी आंटी कह जाते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो जो यूजर्स उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं उनमें से एक ने लिखा है कि 50 साल की आप हो चुकी हैं और आपको आंटी कहलाने में शर्म आती है, हमें तो लोग 15 साल से अंकल कह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जिस तरह की ये एक्टिविटी सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की तरफ से देखने को नजर आई है, इसे देख कर तो यही लगता है कि स्मृति ईरानी कुछ ज्यादा ही बिजी है सोशल मीडिया पर और उन्हें वास्तविक जीवन में कोई इतना ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह के फालतू पोस्ट भी करने से कोई एतराज नहीं कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।